अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए टोयोटा XU हाइब्रिड का रिव्यू लेके आए हैं। ये 2018 मॉडल है और मार्च की प्रोडक्शन है, ये 2018 की 2021 की इंपोर्ट है। और इसका जो ऑक्शन ग्रेड है, इसकी जो आस्किंग प्राइस है, नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके गाड़ी की डील कर सकते हैं। इसके फ्रंट की बात की जाए तो इसके अंदर बाई बीम प्रोजेक्शन लैंप्स दिए गए हैं जो कि LEDs में हैं। DRLs दिए गए हैं, DRL जो है सिर्फ आपको WXP वेरिएंट, जो इसका टॉप ऑफ दी लाइन वेरिएंट है, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आ जाएं तो LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं गाड़ी के। इस साइड पे पार्किंग सेंसर है, टोटल गाड़ी के फ्रंट पे 4 पार्किंग सेंसर दिए हैं। ये गाड़ी पर ब्लैक कलर में है। फ्रंट पे इसके आपको जो है वो क्रोम की स्ट्रिप्स नज़र आएंगी जो कि इस गाड़ी की लुक को एनहांस करती हैं। क्रोम की ग्रिल दी गई है फ्रंट पे। करोला का जो JDM लोगो है वो इसमें यूज़ किया गया है, जिस तरह फील्डर में भी यूज़ किया जाता है और इसमें भी यूज़ किया गया है। उसके अलावा गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाएं, गाड़ी के अंदर 16 इंच का रिम दिया गया है और इसकी प्रोफाइल 185/55R16 है। मिचलिन का एनर्जी सेवर टायर दिया गया है इसके अंदर और WXP का ब्लैक कलर का रिम दिया गया है। जो इसमें प्रीवियस मॉडल था उसके अंदर 185/55R15 का टायर था और स्मोक ग्रे कलर का रिम दिया जाता था जो WXP 2015 से पहले आई है। उसके अलावा नीचे साइड स्कर्ट्स दिए गए हैं गाड़ी की जो कि गाड़ी की बॉडी किट के अंदर शामिल हैं। उसके अलावा फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी और रेयर पर आपको ड्रम दिया गया है। इसके जो डोर हैंडल्स हैं उसमें क्रोम के स्ट्रिप्स यूज़ की गई हैं, ये भी सिर्फ आपको WXP में देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो इसकी डोर पे विंडोज़ पे स्ट्रिप यूज़ की गई हैं क्रोम की। इसी तरह गाड़ी के रेयर साइड पे आ जाएं तो आपको लाइट्स जो हैं वो रीडिज़ाइन मिलेंगी WXP के अंदर और इसका जो कलर है वो भी स्मोक कलर का। उसके अलावा रेयर पे पीछे भी 4 सेंसर दिए गए हैं। राइट साइड पर WXP की बैजिंग है और एक जो है छोटा सा स्पॉयलर दिया गया है। गाड़ी की जो रेयर लुक है वो भी काफ़ी खूबसूरत लगती है स्पॉयलर की वजह से। उसके अलावा रेयर विंड स्क्रीन पे आपको वाइपर मिल जाएगा, नीचे जो है वाशर दिया गया है, पीछे भी डिफॉगर दिए गए हैं स्क्रीन पे गाड़ी के। और नीचे से गाड़ी को रेयर बम्पर भी इसका टोटल रीडिज़ाइन कर दिया गया था 2015 के अंदर। और इसी तरह आप इस साइड पर देखें तो लाइट्स के अंदर एरोडायनामिक्स के लिए कट दिए गए हैं गाड़ी के। 36 लीटर का फ्यूल टैंक है गाड़ी के अंदर और 6 लीटर का रिज़र्व है जो कि टोटल 42 लीटर बन जाता है। और ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं जो कि बॉडी कलर में आते हैं। और इसके जो टर्न सिग्नल्स हैं वही जो आपके करोला में आपको मिलेंगे, एक्वा में भी यही हैं और विट्स हाइब्रिड में भी या विट्स सादी में भी यही हैं। इसके जो डोर हैंडल्स हैं, दोनों डोर हैंडल्स में आपको स्मार्ट एंट्री मिल जाएगी जो कि सेंसर में या बटन में नहीं है। ड्राइविंग डोर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको जो मास्टर कंट्रोल्स हैं विंडो के वो आपको ड्राइवर साइड पे मिलेंगे। लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन दिया गया है, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। विंडोज़ को लॉक करने का इस साइड पे ऑप्शन दिया गया है और इसकी ऑल विंडोज़ जो हैं वो फुली ऑटोमेटिक है। सीट्स की बात की जाए तो इसमें हाफ लेदर सीट्स हैं और बकेट स्टाइल की सीट्स हैं इसके अंदर। उसके अलावा इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ सारा। अच्छा, इसके इंटीरियर पे सबसे पहले जो आप एक चीज़ नोट करेंगे वो ये है कि इसका जो भी इसमें कलर यूज़ किया गया है वो ब्लैक कलर में यूज़ किया गया है। इसका पूरा इंटीरियर ब्लैक कलर का। और 2015 से पहले जितने भी मॉडल आ रहे थे, मुझे लगता है कि ये 2017 में जो इसका माइनर फेसलिफ्ट आया है उसके अंदर इन्होंने ब्लू लाइट्स कर दी हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो येलो लाइट्स थी इसके अंदर। इसके स्टेयरिंग व्हील में भी येलो लाइट्स थी, इसमें ब्लू कर दी हैं और जितने भी कंट्रोल हैं इसके सारे वो ब्लू कलर में आपको नजर आएंगे। इवन के जो इसका पावर बटन था वो भी येलो कलर में दिया गया था। उसके अलावा एसी वेंट इसके 2015 में चेंज कर दिए गए थे, ये जो है सर्कुलर शेप के दे दिए हैं। WXB SOS है इसके अंदर आपको क्रोम के जो है वो क्रोम की आपको जो है वो डिटेल्स टोटल नजर आएंगी। उसके अलावा लेदर रैप स्टेयरिंग है गाड़ी का। इस साइड पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल दिए गए हैं। इस साइड पे आप जो है अपना स्पीडोमीटर की जो डिटेल्स वगैरह हैं, जो एवरेज है, फ्यूल एवरेज है गाड़ी की, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी किस तरह परफॉर्म कर रही है। इसकी जो फ्यूल, क्योंकि ये शोरूम पे खड़ी है गाड़ी, इस वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो, क्योंकि खड़ी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ये लोग, तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है ना वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है।
उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर टोयोटा सेफ्टी सेंस 2.0 दिया गया है। जितने भी इसके अंदर लेन डिपार्चर असिस्ट है, लेन डिपार्चर असिस्ट का बटन है, ऑटो हाई बीम्स हैं इसके अंदर। लोग समझते हैं शायद ये ऑटो हेडलाइट का बटन है, लेकिन ये ऑटो हाई बीम का है। ऑटो हेडलाइट का जो बटन है वो ऑप्शन है वो आपको इस साइड पे लीवर पे मिलेगा। ये जो है इसका फॉग लैंप का दिया गया स्विच, और इस साइड पे आपको जो है वो वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, और रेयर वाइपर को भी आप लेफ़्ट साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ऑटो रेन सेंसिंग नहीं दी गई, लेकिन इसके आप इंटरवल जो है वाइपर की स्पीड का वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट। उसके अलावा गाड़ी के अंदर 8 एयर बैग दिए गए हैं, एक जो है वो स्टेयरिंग व्हील में है, दूसरा जो है पैसेंजर साइड पर दिया गया है, दो जो है फ्रंट SRS कर्टन एयर बैग दिए गए हैं, दो जो है वो ड्राइवर सीट्स में आपको देखने को मिलेंगे, और इसी तरह दो जो हैं जो इसका पिलर सी है, जो लास्ट वाला पिलर है रेयर पैसेंजर के लिए, दो एयर बैग उधर दिए गए हैं। उसके अलावा इसका रूम देखेंगे WXB का, तो आपको टोटल रूफ लाइनिंग ब्लैक कलर की दी गई है, इसके सन वाइजर्स ब्लैक कलर के हैं, और सन वाइजर्स के अंदर लाइट्स नहीं दी गई, लेकिन ये टोटल ब्लैक कलर के हैं। उसके अलावा इस जगह आपको कोई लाइंस नज़र आएंगी, ये लाइंस जो आएंगी ETC की हैं, पाकिस्तान में यूज़लेस है। मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तान में यूज़लेस हैं। लोग समझते हैं शायद ये हीटर के लगे हुए हैं कोई, ये तो ये डी आइसर या डी फॉगर्स नहीं लगे हुए, बल्कि ये जो है वो ETC टोल टैक्स जो कलेक्ट करते हैं जापान के अंदर, इस साइड पे ETC डिवाइस भी लगी है, ब्लू कलर की आपको लाइट नज़र आ रही होगी, तो ये ETC की डिवाइस लगी हुई है, तो पाकिस्तान में यूज़लेस है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, और अब मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर जो है वो अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, डायनामिक रेंज है, कि कौन सा क्रूज़ कंट्रोल सिंपल वाला दिया गया। उसके अलावा नैनो ई है, पैनासोनिक की टेक्नोलॉजी है, एयर प्योरीफिकेशन वाली। उसके अलावा इसका पोलन फिल्टर अगर आप ऑन करेंगे तो कुछ देर के लिए वो ऑन होगा और ख़ुद ही स्पीड को एडजस्ट करेगा। आप देखें ऑफ़ किया है, और जैसे ही आप पोलन फिल्टर वाले को करेंगे वो खुद ही उसकी एयर एडजस्ट करेगा, और एक दफ़ा पूरे जो कैबिन की एयर है ना उसको सर्कुलेट करके, उसको रिफ्रेश करके खुद ही जो है ना वो डिसेबल हो जाएगा। उसके अलावा इसमें जो इंफोटेनमेंट यूनिट मैं देख रहा हूँ वो जैपनीज लगा हुआ है, और इसमें ब्लूटूथ की ऑप्शन भी है, और इसका जो सेंटर कंसोल दिया गया है वो भी आपको पियानो ब्लैक कलर में नज़र आएगा। इस साइड पे लेदर दे दिया गया है, पहले जो था वो हार्ड प्लास्टिक थी, लेकिन वो प्लास्टिक की फील भी थी, सॉफ्ट फील थी, लेकिन अब तो इसमें टोटल लेदर दे दिया है। ये जो है वो स्ट्रिप चल रही है एक इसमें क्रोम की। उसके अलावा गाड़ी में जापान से ही आफ्टर मार्केट लगे हुए कैनवुड के ट्विटर आ रहे हैं, और फोर डोर में जो है इसके स्पीकर्स इंस्टॉल किए गए हैं, और स्पीकर भी मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। मतलब आप किसी भी पाकिस्तानी गाड़ी के साथ इसको अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी साउंड क्वालिटी उनसे बेहतर है। उसके अलावा सीट्स आपको मैं बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हाफ लेदर सीट्स हैं, हाफ लेदर भी नहीं है बल्कि 75% इस पर लेदर यूज़ हुआ है, और सिर्फ आपको ये दरमियान में आपको सिर्फ जो है इसका फैब्रिक नज़र आएगा। उसके अलावा गाड़ी के गियर शिफ्ट की बात की जाए तो गियर शिफ्टर वही पैटर्न में आता है टोयोटा का हमेशा की तरह। रेयर व्यू कैमरा दिया गया है इसके अंदर, और इसके साइड पे भी क्रोम का काम किया गया है, और इसी तरह जो है वो पियानो ब्लैक मटेरियल यूज़ किया गया है। इससे पहले जो मॉडल आ रहे थे ये पैनल आपको उसके अंदर कार्बन फाइबर का, और ये पूरा जो कंसोल है उसमें कार्बन फाइबर मटेरियल के अंदर आता था। उसके अलावा ये गियर जो है ये ECVT है, लोग समझते हैं कि शायद इसके अंदर कोई 5-speed या 6-speed गियर आता है, तो इसके अंदर कोई गियर नहीं होता बल्कि वो MG1 जो मोटर जनरेटर 1 और मोटर जनरेटर 2 होता है सारा, जो इसको गियर को इसके एंगेज कर रहा होता है। और इसका इंजन भी टोटली बेल्टलेस है, इसके अंदर किसी किस्म की बेल्ट नहीं यूज़ की गई इंजन के अंदर। इसके ड्राइविंग मोड की बात की जाए तो इसमें एक इको मोड आता है और EV मोड है। EV मोड आपकी बैटरी जब फुल चार्ज होगी 80% या 60% से ज़्यादा, तो फिर आप इसको EV मोड को एंगेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी नॉर्मल जो हैंड ब्रेक होती है वो इस गाड़ी के अंदर दी गई है। आर्म रेस्ट भी लेदर का दिया गया, और ये मूवेबल है। ये जो दूसरे मॉडल्स आते हैं एस ग्रेड या इससे भी जो बेसिक वेरिएंट आते हैं फील्डर के या एक्सियो हाइब्रिड के, उसके अंदर ये आर्मरेस्ट मूवेबल नहीं होता, ये आपको सिर्फ जी में और WXB में मिलेगा। उसके अलावा ऊपर भी एक कंपार्टमेंट दिया गया, आप यहाँ टिश्यू पेपर का बॉक्स रख सकते हैं, और नीचे भी काफ़ी अच्छी स्पेस में आपको
ग्लव बॉक्स दिया गया है और उसमें भी हाइड्रोलिक यूज़ किया गया है। ये फ़ौरन वो नहीं कि बिल्कुल ही आगे नीचे आगे गिरता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है नीचे। उसके अलावा जो है गाड़ी के डोर पॉकेट्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डोर पॉकेट्स हैं, इस साइड पे भी हैं, फ्रंट पे फ्रंट डोर में कप होल्डर दिया गया है। इसके जो हैंडल हैं उसमें भी क्रोम यूज़ किया गया है, जो कि जी वेरिएंट में भी आपको क्रोम नज़र आएगा और WXB में भी क्रोम नज़र आएगा। उसके अलावा इस साइड पे भी दो कप होल्डर दिए गए हैं, कुछ पॉकेट इस साइड पे है, थोड़ी सी पॉकेट इस साइड पे है। ये दो जो हैं आपको खाली स्लॉट नज़र आ रही हैं, इसके अंदर हीटेड सीट्स का ऑप्शन होता है और वो पता नहीं इस गाड़ी के अंदर क्यों नहीं दी गई, लेकिन इसके अंदर आपको हीटेड सीट्स भी मिलेंगी, ड्राइवर साइड भी और पैसेंजर साइड भी फ्रंट वाली। अच्छा, उसके अलावा जो है ऑटो डिमिंग मिरर इसके अंदर नहीं दिया गया, नॉर्मल डिमिंग मिरर है। इसके अंदर आप ऑटो डिमिंग मिरर आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करता, 4-5 हज़ार का मिल जाता है। और इस साइड पे जो है इसके सेंसर दिए गए हैं, जितने भी इसके टोयोटा सेफ्टी सेंस 2.0 के जितने भी सेंसर्स हैं, लेन डिपार्चर असिस्ट और ये वो सारे सेंसर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। उसके अलावा ऑडियो क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करने के लिए इसके अंदर एक एक्सटर्नल माइक भी दिया गया है, जो इस वक्त उतरा हुआ है और इस पर डबल टेप लगती है और इस साइड पे किसी भी जगह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटर्नल माइक को, ताकि जब आप ब्लूटूथ पे अपना फ़ोन कनेक्ट करके कॉल रिसीव कर रहे होते हैं या कॉल कर रहे होते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आती किसी किस्म की भी। उसके अलावा ये थी फ्रंट की, अब हम इसकी रेयर सीट्स पे चलते हैं और आपको रेयर का कंफर्ट दिखाते हैं और रेयर का जो है वो लेग रूम दिखाते हैं। अब मैंने अपनी जो सीट है वो अपने हाइट के मुताबिक बिल्कुल एडजस्ट की हुई है और दोनों सीट्स जो हैं वो सेम एडजस्टमेंट पे हैं इस वक्त। और अब हम रेयर पे चलते हैं और देखते हैं रेयर पे इसका जो है वो गाड़ी का कंफर्ट कैसा है। रेयर पे भी आप सीट्स देखें गाड़ी की, अच्छा रेयर पे जो है वो लेग रूम तो बहुत अच्छा है, मतलब अभी भी जो है वो तकरीबन कोई 2-3 इंच जो है जगह आपकी नी के अंदर, नी रूम इसका अच्छा है गाड़ी का, क्योंकि इसकी सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्होंने बल्कि बना दी हैं, सो इस वजह से जो है ना रेयर पे थोड़ा सा लेग रूम कम है। लेकिन अगर किसी की हाइट जो है वो 5'9", 5'10" या 6 फीट तक भी है तो वो ईज़िली इस गाड़ी में बैठ सकता है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे एक्सियो में भी और फील्डर में भी लगती है, इसका बेड जो है वो दरमियान से बिल्कुल फ्लैट है, किसी किस्म की कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं दी गई। हालांकि गाड़ी जो है वो काफ़ी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर किसी किस्म का कोई वो टनल वगैरह यूज़ नहीं की गई। उसके अलावा इसके जो दो आर्मरेस्ट दिए हेडरेस्ट दिए गए हैं वो फिक्स हैं और दरमियान वाला जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह आप अगर इसके आप आर्मरेस्ट की बात करें तो इसके अंदर लेदर का आर्मरेस्ट है और काफ़ी सॉफ्ट पैडेड है। रेयर पे भी आपको डोर में क्रोम हैंडल्स मिल जाएंगे। जो मुझे इस गाड़ी में सबसे बुरी चीज़ लगती है वो इसकी ये प्लास्टिक है, बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, कम से कम इनको इस पर फैब्रिक यूज़ करना चाहिए था, जो आपको फ्रंट सीट के जो फ्रंट पे दो डोर हैं उसमें भी फैब्रिक यूज़ किया गया, इस वजह से इसमें भी फैब्रिक यूज़ करना चाहिए था। तो ये काफ़ी जो है ना वो अनोइंग चीज़ है मैं समझता हूँ और बिल्कुल कम्फर्टेबल नहीं है अगर आप इस पर हाथ रखते हैं। उसके अलावा जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि रात को आपको एक ब्लू कलर की लाइट नज़र आएगी और आप इसके जो हैं वो वन टच पे इसके विंडोज़ जो हैं ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई दरमियान में बैठा है तो दरमियान में भी ठीक है। हेडरूम इसका मैं देख रहा हूँ कि फील्डर हाइब्रिड से थोड़ा सा कम है। अच्छा, इसका जो ट्रंक है वो आप अंदर से भी ओपन कर सकते हैं और इस साइड पर भी इसका बटन दिया गया है ओपन करने के लिए। फील्डर के अंदर आपको इस साइड पे बटन मिल जाएगा ट्रंक लॉक करने का, लेकिन इसके अंदर आपको बटन नहीं दिया गया। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के लिए LED लाइट्स दी गई हैं। ट्रंक स्पेस जो है वो गाड़ी की डिसेंट है, क्रोला से बल्कि थोड़ी कम है। इस साइड पे जो है वो बैटरी को एयर देने के लिए इनटेक दिया गया है और नीचे जो है वो पंक्चर टायर रिपेयर किट दी गई है, जिसको हम पंक्चर किट भी कहते हैं। इसके अंदर आपको पंक्चर फ्लूड मिल जाता है, साथ में आपको जो है एयर कंप्रेसर मिल जाएगा। इस साइड पे जैक दिया गया है और वो इसके जो टो करने के लिए या टायर खोलने के लिए इक्विपमेंट दिए गए हैं सारे। तो एक डिसेंट स्पेस दी गई है। ट्रंक का जो वेट है वो भी पाकिस्तानी करोला से तो बहुत ही ज़्यादा है और इस साइड पर भी देखें तो करोला बेसिकली है ये करोला कैटेगरी, लेकिन जैपनीज ने इनको सब करोला कैटेगरी में ऐड करके या सब सेडान कैटेगरी के अंदर इसको
मैन्युफैक्चर किया, और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2019 जून तक की है। अब ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, जापान में भी ये गाड़ी नहीं बिक रही। उसके अलावा इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें 1500 cc हाइब्रिड इंजन आता है, जो कि आपको 2012 से एक्वा में भी आप देख रहे होंगे। 99 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और तकरीबन 110 या 111 न्यूटन मीटर ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है। इस साइड पे इसका इन्वर्टर दिया गया है, जिसको कन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर का कूलेंट है इस साइड पे, इस साइड पे फ्यूज़ बॉक्स है जहाँ से आप गाड़ी को जंप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसका एटकिंसन साइकिल इंजन है 4 सिलेंडर के अंदर, और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है या जो फ्यूल क्लेम करता है टोयोटा, वो तकरीबन 26 से 28 किलोमीटर सिटी में है, और लॉन्ग पे ये गाड़ी आपको 19 से 20 की एवरेज है। इस साइड पे जो इंसुलेशन पैड दिया गया है ताकि आपकी जो इंसुलेशन है और जो गाड़ी की वाइब्रेशन है इंजन की, वो बॉडी तक ना जाए। ये देखिए अभी इंजन जो है किक इन किया और इंजन स्टार्ट हुआ है, इससे पहले गाड़ी जो है वो बैटरी पे थी। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इसके या टोयोटा की किसी भी हाइब्रिड गाड़ी के जेन्युइन मेंटेनेंस पार्ट्स परचेज करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने स्टोर का लिंक दे दूँगा। आप फेसबुक पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं, और पाकिस्तान में जो है वो COD अवेलेबल है। आप कोई फ़िल्टर लेना चाहते हैं, ऑयल फ़िल्टर है या ऑयल्स वगैरह, लुब्रिकेट्स हैं, गाड़ी के प्लग्स हैं जेन्युइन, आपको अवेलेबल होंगे वहाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।